सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल उत्ते स्वागत है। आस करदा हाँ कि तुसी अते तुहाडा परिवार सब चढ़दी कला विच होवोगे। दोस्तों, अज असी जिस महान गदरी योधे दे जीवन बारे जानन जा रहे हाँ, उहना दा नाम भाई करतार सिंह नवां चंद है। इहना दा जन्म 1888 ईस्वी नूं जिला फिरोजपुर दे पिंड नवां चंद विखे होया। इहना ने लुधियाणे बोर्डिंग स्कूल विच रह के 8वीं पास कीती। धार्मिक विरती वाले होण करके इन्हां ने स्कूल पढ़दिया ही अमृत छक लिया सी। उन्हां समयां विच कमाई करन दे इरादे नाल कैनेडा अमेरिका जांदे सन। इन्हां ने भी अपने परिवार नाल सलाह करके कैनेडा जाण दा मन बना लिया। 5 मई 1907 वाले दिन भाई करतार सिंह ने अपने साथियों समेत लुधियाने पहुँच के कलकत्ते जाण वाली गड्डी फड़ ली। फिर कलकत्ते तो जहाज़ फड़ के आप होंगकोंग पहुँच गए। इत्थे इन्हां नूं 1 महीना रुकना पिया। अखीर जुलाई 1907 विच आप वैनकूवर पहुँच गए। इन्हां नूं इत्थे एक लक्कड़ मिल विच नौकरी मिल गई। थोड़ा समय इत्थे काम करन तो बाद भाई करतार सिंह एक रियल एस्टेट ब्रोकर बन गए वैनकूवर रहिंदिया। इन्हां ने हिंदुस्तानी आवासियों का निरादर हुंदा वेख्या तां इन्हां नूं हिंदुस्तान की गुलामी का अहसास होया। फिर इन्हां ने भाई बलवंत सिंह अते भाग सिंह वर्गे लीडरां नाल मिलके सरगर्मियां विच हिस्सा लेना शुरू कर दिता। आप वैनकूवर के गुरु घर विच संगतां नूं बड़ियां जोशीलियां अते गर्म तकरीरां करिया करदे सन। वैनकूवर विच रहिंदिया आप ने भाई मुनशा सिंह दुखी नाल मिल के दुश्मन की खोज भाल नाम की 350 सफ़ियां की एक किताब लिखी, जो जासूसी कला बारे माहिर सी। जदों गदर पार्टी होंद विच आई तां भाई करतार सिंह इस दे मैंबर बन गए। इन्हां ने अपने साथियों नाल मिल के हिंदुस्तानियों के डेरियां ते जाके गदर पार्टी लई फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिता। कामा गाटा मारू जहाज़ के संघर्ष विच भी भाई करतार सिंह ने अहम भूमिका निभाई। कामा गाटा मारू जहाज़ के मुसाफिरां नूं कैनेडा विच ना उतरन देण करके 31 मई 1914 नूं वैनकूवर विच होई मीटिंग विच बोलदियां भाई करतार सिंह नवां चंद ने आख्या कि जे ये जहाज़ वापस मोड़िया जाता है तो हिंदुस्तानियों नूं देश जा के गोरियां नूं देश विचों कढ देना चाहीदा है। इन्हां गोरियां दे सिर तां हदवाणियां वांग फेर देने चाहीदे हन। इस तो थोड़ा टाइम बाद ही संसार युद्ध शुरू हो गया तो गदर पार्टी ने अपने सारे मैंबरां नूं देश जा के हथियारबंद गदर मचाउण दा सद्दा दे दिता। सारे गदरी अपनी जायदादां नौकरियां छड्ड के देश वल रवाना होना शुरू हो गए। भाई करतार सिंह भी देश जाण दी तैयारी कर ही रहे सन। उधर गद्दार बेला सिंह जियाण ने वैनकूवर दे गुरु घरे गोली चला दित्ती, जिस विच भाई भाग सिंह अते भाई बदन सिंह शहीद हो गए। पुलिस गद्दारां दा साथ दिंदी होई भाई करतार सिंह अते देश भगत धड़े दे कई लीडर गिरफ्तार करके लै गई। हफ्ते बाद उन्हां नूं जमानत ते छड दित्ता गया, पर मुकदमा चलदा रहा। इस दौरान 21 अक्टूबर 1914 नूं भाई मेवा सिंह ने हॉपकिंसन, जो कि एक गोरा पुलिस इंस्पैक्टर सी, उसका कतल कर दिता। पुलिस यह समझती सी कि कतल इकल्ले मेवा सिंह ने नहीं सगों देश भगत धड़े दे लीडर ने उस कोलों करवाया है। हॉपकिंसन के कतल तो तीसरे दिन 23 अक्टूबर नूं पुलिस ने भाई करतार सिंह, हुसैन रहीम, भाई बलवंत सिंह अते भाई मित सिंह नूं छड दिता। उन्हां उत्ते दोष लगा के यह मुकदमा चलाया गया कि इन्हां ने मेवा सिंह नूं उसका के उस कोलों ये कतल करवाया है। भाई मेवा सिंह ने कतल की सारी जिम्मेवारी अपने उपर लै ली। सबूतों की घाट होण करके अदालत ने 4 दसंबर 1914 नूं भाई करतार सिंह अते उन्हां दे साथी बरी कर दिते। बरी होण तो बाद इन्हां ने जल्दी देश जाण की तैयारी पूरी कर ली। इहनां नाल वैनकूवर तो भाई बतन सिंह काहरी, भाई बलवंत सिंह खुरदपुर अते उहनां दे साथी चले। कुछ दिन युगांतर आश्रम विच रहण तो बाद इहनां ने सान फ्रांसिसको तो निपन मारू नामक जहाज़ फड़िया। 23 जनवरी 1915 नूं शिंगाई पहुँच गए। भाई बलवंत सिंह उत्थे ही रुक गए क्योंकि उहनां दी ड्यूटी दूर पूर्व दे देशां विच रह के हिंदुस्तानियों नूं जत्थेबंद करन दी सी। भाई करतार सिंह अते बतन सिंह कारी, भाई बलवंत सिंह टब्बर नूं नाल लै के हिंदुस्तान लई चल पए। आप 14 मार्च 1915 नूं कोलंबो पहुँचे। 25 मार्च नूं लुधियाने पुजण ते आप नूं गिरफ्तार कर लिया गया ते कैंबलपुर जेल विच भेज दिता गया। बाद विच भाई करतार सिंह नूं
लाहौर ले जाके सैकेंड सप्लीमेंट्री लाहौर कॉन्सपिरेसी केस विच शामिल कर लिया गया। यह मुकदमा लाहौर सेंट्रल जेल च 8 नवंबर 1916 तो 5 जनवरी 1917 तक चलिया। इस मुकदमे विच आप नाल भाई बलवंत सिंह खुरदपुर, बतन सिंह कारी, हरी सिंह चौंटियां अते मुनशा सिंह दुखी वर्गे कैनेडा दे 8 होर गदरी भी शामिल सन। आप नूं इंडियन पीनल कोड की धारा 121 ए अधीन फांसी अते घर घाट जब्ती की सज़ा सुनाई गई। फिर आप दी सज़ा उम्र कैद विच बदल दित्ती गई। आप पहला पंजाब विच ही रहे। फिर जनवरी 1918 नूं आप नूं बिहार की हज़ारीबाग जेल विच भेज दिता गया। मार्च 1920 दे शाही फरमान अनुसार हज़ारीबाग जेल विच्चों बहुत सारे गदरियां नूं रिहा कर दिता गया, पर भाई करतार सिंह की रिहाई ना हुई क्योंकि जिन्हां गदरियां की फांसी टुट के उम्र कैद विच होई सी ओह शाही फरमान हेठां नहीं रिहा किए गए। अक्तूबर 1921 विच आप नूं हज़ारीबाग जेल विच्चों बदल के मद्रास की राजमंदरी जेल विच भेज दिता गया। भाई रणधीर सिंह नूं भी आपदे नाल ही हज़ारीबाग जेल तो राजमंदरी जेल ले जाया गया। राजमंदरी जेल विच भाई करतार सिंह अते साथियों नूं कई मोर्चे लाने पे। पहला जेल पहुँचद्या ही पंजाबी खाने लिए मोर्चा लाना पिया क्योंकि जेल विच मद्रासी खाना ही दिता जाता सी। इन्हां वल्लों भुख हड़ताल करके अपनी मंग मनवाई गई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों भेजे गए जथेदार तेजा सिंह चूहड़काणा अते भाई अमर सिंह ने जनवरी 1922 विच राजमंदरी जेल विच भाई करतार सिंह अते दूसरे गदरी कैदियों नाल मुलाकात की। जथेदार चूहड़काणा दे कहण ते जेल अधिकारियों ने गदरियां नूं जेल विच कई रियायतां दे दित्तियां। इस जेल विच भाई करतार सिंह 13 महीने रहे। 1922 दे अंत विच भाई करतार सिंह अते भाई रणधीर सिंह नूं राजमंदरी जेल विचों बदल के नागपुर जेल विच भेज दिता गया। नागपुर जेल का सुपरडेंट बड़ा बददिमाग बंदा सी। उसने हुक्म दिता कि उसके आउण ते सारे उस अगे हाथ अड के खड़े होया करन। भाई करतार सिंह ने सुपरडेंट नूं सवाल किया कि अजिहा किहड़े जेल मैनुअल विच लिखिया है। सुपरडेंट अगों अग बबूला हो गया ते बोलिया, देखो महात्मा गांधी दे चेले जमुना दास अते महात्मा भगवान दीन वर्गे वड्डे वड्डे कांग्रेसी लीडर इस जेल विच कैद हो के गए हन अते मेरे अगे हाथ अड्डे खड़े हुंदे सन। भाई करतार सिंह कहण लगे कि सानू किसी की नकल करन दी लोड़ नहीं, असीं उहनां महात्मा दे चेले नहीं हाँ ते ना बणांगे। असीं तां गुरु गोबिंद सिंह दे अणखीले सिख हाँ। असीं इस तरह हाथ अड के किसी अगे खलोना कुफर मनते हाँ। सुपरडेंट ने उन्हां ते सख्ती कर दिती। करतार सिंह हुरां ने भुख हड़ताल कर दिती। गल ज़्यादा वधी देख सुपरडेंट ने अपनी जिद छड दिती। भाई करतार सिंह ने लगभग 9 साल नागपुर जेल विच कट्टे। जून 1930 विच आप नूं लाहौर सेंट्रल जेल विच भेज दिता गया। भगत सिंह भी इन्नी दिनी इस जेल विच बंद सी। फिर फरवरी 1932 विच इन्हां नूं बूढ़वाला दे कैदी सुधार फार्म ते भेज दिता गया। 20 साल कैद कट्टण तो बाद आप 1934 विच रिहा होए। जेलों आ के आपने पुरानियां हथ लिखतां दी खोज कीती। आपने अमृत की है अते उमर कैदी दा सुपना नाम दियां किताबां लिखियां। कैनेडा अमेरिका आए हिंदुस्तानियों दे इतिहास बारे आपने नवी दुनिया नाँ दी किताब लिखी। ये धार्मिक रुचि वाले इंसान सन। इन्हां ने धार्मिक अते गुरबाणी दियां हथ लिखतां दी खोज कर ली। कई किताबां लिखण दी समगरी तां इकट्ठी कर ली पर इह किताबां लिख नहीं पाए क्योंकि अचानक 4 अप्रैल 1944 नूं इस गदरी योधे ने इस फानी संसार नूं हमेशा लई अलविदा आख दिता। सारी उम्र जेलां अते सफरां विच ही अपनी कौम अते देश तों कुरबान करन वाले इस महान गदरी बाबे नूं दिलों सतकार अते प्रणाम।